आर्य अखिलेश यादव जी उसी तरह से मैनपुरी लोगों के साथ रिश्तों को भी निभाएंगे, उनके संघर्षों में भी साथ रहेंगे और जो पारिवारिक लोगों के जो मर्यादाएं मान्यताएं रिश्ते और जो भावनाएं कायम है उन लोग उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ चमत्कार हो सकता है, ठीक है वो इंतजार करें। किसी की उम्मीद के लिए हम क्यों स्वतंत्र हैं, रखें अपनी उम्मीद। लेकिन हाँ, मैंने कई चैनलों पर कहा था, कई सभाओं में कहा था, आप सबके बीच भी कहा था, इसलिए दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना जो खेड़ा धौलपुर गांव उनका जसपुर विधानसभा का उस पर हार के आएंगे और सूचना आई है कि 167 वोटों से उनका बूथ 187 वोटों से वो हार के आए हैं। और आगे जो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा गुंडई कर रहे थे यहाँ के जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, वो अपने बूथ पे हार के आए हैं। अभी एक नेता और है जिनका अभी बूथ खुलना बाकी है, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, थोड़ी देर घंटे दो आधे घंटे में आ जाएगी खबर। वो गोपालपुर जो गांव है रासवा सांसद हरना सिंह जी का, वो अपने गांव में जमानत नहीं बचा के आ पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत है। यही बात मैं कह रहा था कि भाजपा की क्षमता नहीं है मैनपुरी लड़ने की, यहाँ तो प्रशासन लड़ रहा था। यही कारण है कि हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं बचा जो मुकदमा न झेला हो, कोई साथी नहीं बचा जो जरा भी इसका व्यापार था उसको नोटिस न मिला हो, जो जरा भी सरकारी कर्मचारी, और तो छोड़ो मैनपुरी चुनाव जीतने के लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आदेश कर दिया गया कि कोई छुट्टी नहीं जा सकता है। पुलिस के, क्योंकि लोग जानते हैं पुलिस में मैनपुरी के लोग बहुत हैं, फौज में बहुत हैं, तो छुट्टी नहीं आ सकती थी। मैनपुरी चुनाव जीतने के लिए सरकार जो कुछ कर सकती थी सब कुछ किया, लेकिन बावजूद इसके मैनपुरी की जनता को बारंबार नमन है, प्रणाम है, सलाम है कि मैनपुरी की जनता के जज्बातों के लोग समझ भी नहीं पाए। जीत का घाट भी लेने के लिए इत्यादि साहब में क्या उम्मीद है? अभी कार्यक्रम नहीं है, अभी तो गिनती चल रही है, अभी तो इत्यादि गिनती आ पाई है इलेक्शन कमीशन की साइट पर, कुछ सूचनाएं जरूर और आगे तक ही चल रही है, लेकिन अभी साइट पर तो गिनती आई है, गिनती खत्म होने दीजिए, बेहतर होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा और मैनपुरी जनता को तो मैं समझता हूँ वही आगे असली आभार व्यक्त कर पाएंगे। हम लोग तो चूंकि आप बैठे हो, आपके सम्मान में अपना बयान दे रहे हैं।